हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है अंकित पीसफुल माइंड। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। तो गाइस, आज बात करने वाला हूँ कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, गार्जियन भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे के घर में स्टूडेंट होता ही होता है। और इस लॉकडाउन में लोग पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और ये जो लॉकडाउन है, ये सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को फाइंड करने का, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने का, आप चाहते हैं क्या करना उसको फाइंड करने का, अब जो दिल में था पहले से करना उस काम को करने का। ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। जो भी पढ़ाई होती है यहाँ पर होती है, यहाँ पर, और ये जहां रहेगा वहां पढ़ाई होगी। तो स्कूल बंद रहे खुला रहे फर्क नहीं पड़ता है। इवन स्कूल जाने के वक्त और नो टाइम बर्बाद ही होता है। कॉलेज का तो ठीक है, वहां तो लोग अच्छे रहते हैं, स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपने आप को कर ले जाता है। तो बात कर रहा हूं मैं कि कैसे बच्चों लोग को पढ़ना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, बट सॉरी टू से दैट कि मैं जो पढ़ाई करने वाला बात होता है ना, उसको मैं जब भी पढ़ाई बोलता हूं ना, मेरे को अंदर से बेमानी लगती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग सोचेंगे पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बताता हूं पढ़ाई को पढ़ाई क्यों नहीं बोल। आदमी है ना, आदमी का माइंड ही है, आदमी का फितरत है क्वेश्चन करना, उसको हर एक चीज में क्वेश्चन नजर आता है। और यही वजह है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, इस डेवलपमेंट समाज में हैं। हम आज मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, मोबाइल से ना जा रहे हजारों लाखों करोड़ मीटर किलोमीटर हम ना बात कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, सारा चीज अवेलेबल है एक हाथ में। इसी कारण आज एसी में रहते हैं, इसी क्वेश्चनिंग माइंड के कारण आज हम सब सारा कुछ अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, पंखा है, एसी है, सब कुछ। There are lots of things because of what? Because of this. Because of the fidrat of asking the question. जी हाँ दोस्तों, हम लोग बाहर एक थोड़ा सा लड़ाई हो जाए ना, तो हम लोग पता करना चाहते कि लड़ाई कहाँ हो रहा है, किससे लड़ाई हो रहा है, क्यों लड़ाई हो रहा है, कब से लड़ाई हो रहा है, लड़ाई की वजह क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो ये जब आदमी छोटा छोटा सवाल जब पता करने के लिए जब कर सकता है, सोच सकता है, तो ये क्यों नहीं सोच सकता कि हवा क्यों चलती है, ये क्यों नहीं सोच सकता है कि दिन और रात क्यों होती है, ये क्यों नहीं सोच सकता है कि आसमान नीला क्यों होता है, ये क्यों नहीं सोच सकता है कि पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं, ये क्यों नहीं सोच सकता है कि बाल काले क्यों होते हैं, ये क्यों नहीं सोच सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, सवाल है ना साहब। तो बस आदमी का फितरत है, उस फितरत को पूरा करना है। तो आपका मन में नहीं करता क्या कि आंख से हम कैसे देख पाते हैं, करता है सवाल, ये दांत इतना व्हाइट क्यों होता है, किस चीज का बना होता है, है ना। तो बस यही चीज है। तो जब छोटा छोटा बात के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये इतने बड़ी बात है कि लाइट कैसे जलती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करता है, ये सब मन नहीं करता जानने का, जानने करता है, करता है ना। तो बस ये सोच के आप पढ़ो, आप सीखो, आप समझो। आपके नहीं मन करता कि हाँ 100 साल पहले कैसा चल रहा होगा जिंदगी, 500 साल पहले कैसे चलता था, सब कैसे होता था, 1000 साल पहले कैसे चलता था जिंदगी, कैसे होता था, राजा महाराजा लोग अपने जिंदगी कैसे चलाते थे, अपने राज पाठ को कैसे चलाते थे, ये जाने का नहीं मन करता। हमको तो मन करता है, तो बस हमको मन करता है तो बस उसको उठा लिए। तो दोस्तों, अभी इस लॉकडाउन में या जब भी आपको टाइम मिले, जब फुर्सत में हो, इवन तो आप इसको रूटीन ही बना लीजिए, जिस तरह ब्रश करते हैं उस तरह इसको रूटीन बना लीजिए, दैट इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, जस्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट गोइंग एनीवेयर, जस्ट टेक योर फेवरेट बुक, टेक योर फेवरेट सब्जेक्ट and just go on the terrace in the morning, not in the dhoop, in the morning aap subah mein chhat pe jao aur thandi thandi hawa mein dam padhna, usko samajhna, dam shuru kar do ek bariki se, dam exam ke liye nahi, khud ke liye, ki kyunki aapko batana rehta hai jab ladai hota hai, ab jab koi puchta hai ladai kyun hua to aap batate ho na, ab bada garv mehsoos hota hai na, to usi tarah socho aap, jab main padhunga, jab main samjhunga, koi puchega, main bataunga, to andar garv mehsoos hoga, होगा ना। तो ये समझ के आप सीखो और डेली ये रूटीन बना लो, आप देखना साल भर बाद है ना, आपका दिल खुद ब खुद उठ के जाएगा, ठीक है। आप खुद सुबह उठ के आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा, बस उठेंगे अपना फेवरेट बुक लेकर के छत्ता पर, मतलब क्या फेवरेट बुक कहीं और शांति जगह पर, जहां पर आप ठीक से चीजों को फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसको कवर कर पाए, ओके ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जो मैंने आपको जो बोला, आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप मेरी बात को समझे। जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या समझे हैं, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर आप गार्जियन हैं,
क्या आपका बच्चा ऐसा करता है, नहीं करता है तो उसे करवाइए, ओके। लेकिन जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, उसको इस तरह समझाइए जैसे मैंने अभी बताया आपको, या फिर ये वीडियो दिखाइए। और आपकी वीडियो अच्छा लगा है दिल से तो इसको शेयर करिए उन बच्चों तक, उन गार्जियनों तक जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको भी, आपके पास कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए, मैं कोशिश पूरा करूंगा इसका जवाब देने का।